चुनावी तारीखों के ऐलान के इंतजार के बीच गुजरात में हर सियासी पार्टी का अपना अपना दांव। हर किसी का मिशन वोटरों को साथ लाने का है, हर किसी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की। और अब इसी प्रयास में बीजेपी ने गुजरात में वो दांव चलने की तैयारी कर ली है जिसके सामने दूसरे दलों के बड़े बड़े दावों और वादों का दम फूल सकता है। दरअसल गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाएगी। कमेटी सिविल कोड लागू करने पर संभावनाएं तलाशेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की अगुवाई करेंगे। जाहिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व वाले एजेंडे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि गुजरात में इसकी तैयारी के ऐलान के साथ सियासत शुरू हो गई। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने इस ऐलान को चुनावी फायदे से जुड़ा बताया, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है, ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे, और बहुत सी चीजें करेंगे। ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि गुजरात के कुछ इलाके में आदिवासी आबादी काफी संख्या में, ऐसी सूरत में सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा? गुजरात में ट्राइबल लोग हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन दिया है, ट्राइबल लोगों के कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, उनको कैसा करेंगे आप? छोटू भाई वसावा राजी हो जाएंगे क्या? जो ट्राइबल लोग, जो दूसरे बीजेपी में जो ट्राइबल लोग हैं, वो राजी हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को? विरोध की आवाज सिर्फ वैसी की ओर से ही नहीं उठी, कांग्रेस ने भी इस ऐलान को महज वोटरों को भरमाने का तरीका बताया। भ्रमित करवा માટે, લોકોને ઉશ્કેરવા માટે, લોકોને લાલચ આપવા માટે કે લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે બધા પ્રયત્નો સરકાર કરશે, પણ લોકો સમજી શક્યા છે કે જે સરકારે 27 વર્ષ આપણી ચિંતા ના કરી, હવે 27 દિવસ બાકી છે ત્યારે આપણી ચિંતા કરવા નીકળ્યા છે, એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે ચૂંટણીમાં મત લેવા માટેના નિર્ણયો છે। साथ है कि गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व वाली सियासत पूरी तरह से रंग ले चुकी है। केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला दांव चल चुके हैं और उन्होंने गुजराती अस्मिता से जोड़ते हुए सीएम चेहरे के लिए जनता से राय मांगी है। हम जनता से पूछ के तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब पंजाब के चुनाव हुए थे, हमने जनता से पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और बड़े भारी बहुमत से जनता ने भगवंत मान साहब का नाम लिया था कि भगवंत मान को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और जनता की इच्छा के अनुसार हमने भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस किया था। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल यह बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। 70-35 से समाप्त कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिला सकते हैं, CA का कानून ला सकते हैं, तो जो बाकी बचा वो भी कर देंगे जी। अगर मोदी सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब अतिक्रमण का हमारे सैनिक दे सकते हैं, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जो कहा है वो सब काम पूरा करके दे सकते हैं। अगले हफ्ते गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे पहले हर कोई अपना जोर लगा रहा है, चुनावी जीत के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। अहमदाबाद से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।